स्टूडेंट्स, न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 11 टेस्ट नंबर 2 की टेस्ट सीरीज यानी कि टेस्ट का पेपर डिस्कशन लेकर आ गए हैं, जिसमें आप सभी ने जो एग्जाम दिया है, आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा, बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशन करी होगी। बस अब वक्त आ गया है ये देखने का कि आपने जो आंसर टिक करे हैं क्या वो सही है या फिर कोई ऐसी माइनर सी मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से वो आंसर आपका सही नहीं हो पाया है। तो उन्हीं मिस्टेक्स को एक बार देखेंगे और नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर उन मिस्टेक्स से बचेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं पेपर डिस्कशन के लिए। क्लास 11th फाउंडेशन टेस्ट नंबर 2 केमिस्ट्री का पेपर डिस्कशन होगा यहाँ पर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होंगे 100 तक के क्वेश्चन, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर पेपर डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाए भाई, कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा दें और फटाफट ज्वाइन करें, शेयर करें सेशन को, जिससे ज़्यादातर बच्चों तक पहुंच पाए ये सेशन और वो भी अपने पेपर को अच्छे से देख सके, पेपर डिस्कशन को देख सके और शेयर कर सके, ठीक है। चलो तो बढ़ा जाए आगे अपने मिशन नीट 2025 के साथ, जिसमें हमारे सर का मानना है, हम सबका मानना है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन को आगे बढ़ाते हैं अपने पेपर डिस्कशन के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, फटाफट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि 51 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 51 क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, फटाफट पढ़ो सभी लोग भाई, क्या कह रहा है 51 नंबर का क्वेश्चन। हाउ डिड हेनरी मोजले ऑब्जर्व दैट एटॉमिक नंबर ऑफ इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। अगर आप बात करोगे देखोगे तो जो न्यू पीरियोडिक टेबल है हमारी वो किस पर बेस्ड है, मोर फंडामेंटल यूनिट उसकी क्या है, एटॉमिक नंबर्स है, जिसे किसने दिया था, मोजले जी ने, ठीक। तो अब बोला जा रहा है कि हाउ डिड हेनरी मोजले ऑब्जर्व दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो वहां पर अगर आप देखोगे चार ऑप्शंस दे रखे हैं, तो उन्होंने एक ग्राफ बनाया था जो कि स्ट्रेट लाइन निकला था, किसके बीच में ग्राफ बनाया था उन्होंने, एटॉमिक नंबर और रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन वन कह रहा है बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन जेड एंड रूट वी, ठीक है, यानी कि फ्रिक्वेंसी है ये। सेकेंड कह रहा है बाई प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड मास, गलत है, ठीक है। थर्ड कह रहा है यूवी रे स्पेक्ट्रा, गलत। फोर्थ कह रहा है पैराबोलिक ग्राफ बिटवीन जेड एंड रूट वी, ठीक है। तो देखो ये होता तो सही, लेकिन यहाँ पर उसने बता दिया है कि ग्राफ जो प्लॉट हुआ था वो किस टाइप का हुआ था, तो ये पैराबोलिक नहीं हुआ था बेटा, स्ट्रेट लाइन हुआ था। कैसा हुआ था, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन अगर लिखा होता तो ये वाला आंसर हो जाता, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसलिए यहाँ पर राइट होगा क्योंकि ग्राफ जो प्लॉट हुआ था वो जेड यानी कि एटॉमिक नंबर और रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में प्लॉट हुआ था, ठीक है। तो इससे पता चला था कि जो हमारे एलिमेंट है उसके लिए जो एटॉमिक नंबर है वो उसकी और फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। चलो और ये किस टाइप का प्लॉट हुआ था अगर आप बात करो तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिला था, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 52 नंबर का क्वेश्चन देखें, 52 नंबर का क्वेश्चन भाई नोट कर लो इसे जल्दी से, ठीक। 51 सभी को समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सब्सिक्वेंट पीरियड्स, ठीक है, यानी कि जो हमारे सब्सिक्वेंट पीरियड्स होते हैं उसमें कितने कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये बताना है। अच्छा ये सारा टेस्ट आपको पता है एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, तो मैं आपको पेज नंबर बता दे रही हूँ कि कहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर हम 51 की बात करें तो ये पेज नंबर 78 पर मिलेगा, ठीक है, पेज नंबर एनसीईआरटी में आपकी क्लास 11th की, ठीक। इसी तरह सेकेंड की अगर हम बात करें, ठीक है, सेकेंड की बात करें हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो अगर आप देखोगे तो उसमें जो आपको सबसेकेंड पीरियड्स मिलते हैं वो 2, 8, 18, 18 × 32 और 32 ये मिलते हैं, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा लिखा हुआ एज इट इज, ठीक है। 52 का आंसर क्या होगा फिर इस हिसाब से, ये भी सेम पेज पर मिलेगा, पेज नंबर 78, ठीक है।
डन। तो इसका आंसर क्या होगा, 288, 1818, 32, 32, तो आंसर विल बी द फोर्थ ऑप्शन। ओके चलो, फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट होता है। डन, यहां तक की चीजें समझ में आई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड किया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एन एलिमेंट दैट हैज बीन डिस्प्यूटेड एज टू इट्स नेम, यानी कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो उसके नेम से कुछ नेम को लेकर डिस्प्यूट हो रखी है, कौन सा है, कुर्चेटियम की अगर हम बात करें, ठीक है, जिसका नाम रदरफोर्डियम, ठीक, रदरफोर्डियम भी रखा गया और रदरफोर्डियम ही इसका नाम है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कुर्चेटियम, ठीक है, कुर्चेटियम इज राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, इन्हीं सारी चीजों की वजह से ही IUPAC आया, क्योंकि क्या होता था पहले जब एलिमेंट्स फाउंड होते थे तो पहले ये होता था कि जिसने फाउंड किया है या तो फिर साइंटिस्ट के नेम पर रख दिया जाए या फिर वो जहां फाउंड हुआ है उस जगह के नाम पर रख दिया जाए, है ना, तो इन सारी चीजों में काफी मिसकम्युनिकेशन होता था, ठीक है, तो इस वजह से एक IUPAC नाम लाया गया जिसकी वजह से एलिमेंट का नाम उसके अकॉर्डिंग ही रखा जाएगा, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, कुर्चेटियम, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट, बाकी के ऑप्शन गलत होते हैं। नेक्स्ट 54 नंबर का क्वेश्चन देखो, 54, अच्छा अगर इसकी बात करोगे तो ये भी सेम आपको पेज नंबर 80 पर मिलेगा, पेज नंबर 80, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए बोला जाता है एनसीईआरटी को बहुत डीपली स्टडी करना है, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है, तो आप देखोगे सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में लाइन बाई लाइन मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, 54 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में किस टाइप का रिलेशन है, बोला जा रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई रिलेशनशिप नहीं है या नन ऑफ दीस, ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है, जैसे कि एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है, रेडियस जितनी छोटी होगी तो वो उतना पास होगा, देख लो यहां पर एक चीज समझना, रेडियस छोटी होगी तो वो न्यूक्लियस के पास होगा ज्यादा, जो उसके शेल्स होंगे अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो बहुत पास होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बहुत पास होंगे, ठीक है, तो वहां पर आयनिक जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है या एनर्जी होती है वो क्या होती है कि हम किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट कब होता है, जब वो न्यूक्लियस के पास होता है, यानी कि न्यूक्लियस के पास है तो अट्रैक्शन वहां पर ज्यादा होगा ना न्यूक्लियस से, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी, आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो हाईएस्ट होगी, तो रेडियस कम होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, यानी कि यहां पर एटॉमिक रेडियस अगर हम बात करें वो छोटी होगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हाईएस्ट, ठीक है, विल बी हाईएस्ट, तो इनके बीच में क्या रिलेशन आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी कि एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो यहां पर रिलेशन क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, AR यानी कि एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये याद कर लो, ठीक है, ये ट्रिक आगे आपको काम आएगी, क्लियर, समझ में आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ठीक, थोड़ा सा सोच कर देखो, अगर रेडियस कम होगी न्यूक्लियस के पास होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही टफ होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को निकालना ही क्या होता है, हमारा आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है, तो वो हाईएस्ट हो जाएगी, ये कम हो जाएगी जब, ठीक है, चल नेक्स्ट 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, इसका आंसर नोट डाउन कर लो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं, ये भी आपको एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा, एटॉमिक रेडियस जहां पर दे रखी है उसमें ही दे रखा है, ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर का, हाउ डज द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम चेंजेस व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो इसे कि एटॉमिक रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, जब वो किसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है,
गेन कर रहा है और निगेटिव आयन बना रहा है। आप सबको पता है जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होता है तो जैसे कि आप देखोगे क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो निगेटिव आयन बन रहा है ना। तो अब ये कह रहा है हाउ डज द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम चेंजेस व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म निगेटिव आयन। अब मान लो किसी को एक चीज एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वो बड़ा हो रहा होगा साइज में, तो इस हिसाब से एटॉमिक रेडियस की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, इनक्रीजेस। क्या हो जाएगी, इनक्रीजेस। ठीक है, तो ऑप्शन टू विल बी द राइट आंसर, यानी कि एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम इनक्रीजेस व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म निगेटिव आयन। ठीक है, डन। यहां तक समझ में आ गया सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो ऑप्शन नंबर टू यहां पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस यहां पर गलत हो जाएंगे। ये जस्ट एग्जांपल देने के लिए है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जैसे सोडियम है, ठीक है, इसकी रेडियस कम है, ठीक है, और उससे ज्यादा रेडियस होती है एन ए माइनस की। अच्छा, सबसे कम होती है एन ए प्लस की। तो इस हिसाब से देखो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो उसका साइज बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, क्या एटम की चेंज हो रही है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है निगेटिव आयन बना रहा है ये, और क्या बन रहा है यहाँ पर देखोगे इंक्रीज हो रहा है। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 56, ठीक है, 55 तक के क्वेश्चन हमारे हो गए, 56 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस अक्रॉस पीरियड, यानी कि ऐसा कौन सा प्राइमरी फैक्टर है, ठीक है, ऐसा कौन सा प्राइमरी फैक्टर है जो एटॉमिक रेडियस को एक अक्रॉस द पीरियड में इफेक्ट कर रहा है। जो एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें अक्रॉस द पीरियड, यानी कि इस तरह से बताना है, तो क्या होगा, ऐसा कौन सा प्राइमरी फैक्टर है, यानी कि अगर हम देखें वही बेसिक फैक्टर है, वही क्या है, बेसिक फैक्टर है जो एटॉमिक रेडियस को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। बताओ फटाफट क्या होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, क्या होगा आंसर बताओ फटाफट इसका, क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा ना, न्यूक्लियर चार्ज, क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत होते हैं। कैसे, देखो न्यूक्लियर चार्ज कैसे होगा, आप अगर देखोगे न्यूक्लियस पर जितना जितना चार्ज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखो जैसे कोई एटम है, ठीक है, अब रेडियस उसकी कम कैसे होगी, चार्ज बढ़ रहा है यानी कि इसको अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, जैसे साइज कम हो रहा होगा। ठीक है, अगर शेल बढ़ रहा होगा तो साइज बढ़ रहा होगा, लेकिन मान लो इसी सेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी सेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा फिर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर न्यूक्लियस इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, जिससे साइज क्या हो जाएगा यहाँ पर डिक्रीज होने लगेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 57 नंबर का क्वेश्चन द पीरियड नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल रिफर्स टू, यानी कि जो हमारी न्यू पीरियोडिक टेबल है उसमें जो पीरियड नंबर है वो क्या डिफाइन करता है, क्वांटम नंबर, कौन सा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि आप देखते हो कुछ भी अगर लिखा है जैसे 1s2 लिखा है ना, तो यहाँ पर 1 क्या होता है, n होता है ना, तो n इज वॉट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, अच्छा एस क्या है, एल से डिनोट किया जाता है, वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक, तो एन इज व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। डन, नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट, क्लियर। तो यहां पर आंसर समझ में आया, 57 समझ में आ गया सभी को। चलो नेक्स्ट देखें, 57 का थर्ड ऑप्शन राइट होगा। 58 देखो, 58 कह रहा है विच ऑर्बिटल डायग्राम्स, ठीक है, एन इनसाइट टू द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी कब होगी, जब अगर आप देखोगे यहाँ पर
आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालना। और इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट कब होगा, जब वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, है ना, तभी तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। और एक चीज अगर हम इन डायग्राम्स में देखें तो जितने भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं उनमें आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हो रही होती है, आयनाइजेशन एनर्जी उनमें सबसे ज्यादा होती है, यानी कि उनको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा, देखो यहां से तो एक निकाल लिया जाएगा, यहां से भी एक निकाल लिया जाएगा, ये भी सही है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा देगा, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्यों, रीजन क्या है, यहां पर जो पी ऑर्बिटल है वो क्या है, हाफ फिल्ड है, ठीक है, क्या है, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, और जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, और सबसे ज्यादा स्टेबल है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालने के लिए काफी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्या होते हैं ये, मोर स्टेबल, ठीक है, मोर स्टेबल, क्लियर। तो समझ में आ गया, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 58 समझ में आ गया, चलो 59 नंबर का क्वेश्चन, 59 देखो क्या कह रहा है, वॉट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द गिवन एलिमेंट्स। यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो उसमें पूछा गया है कि इनका करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा, ठीक है, साइज आपको बताना है क्या होगा। अगर आप साइज की बात करो तो अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है, कम होता है, ठीक है, साइज क्या होता है, कम होता जाता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें तो फ्लोरीन सबसे छोटा होता है ना। अगर इधर की बात करें, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं साइज में अगर हम बात करें, ठीक, अगर हम पीरियोडिक टेबल को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं तो, ठीक, तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा बताओ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज पूछा गया है, ठीक है, फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, ठीक है, उससे बड़ा क्लोरीन है, उससे बड़ा सोडियम है, तो यानी कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट, ठीक है, क्लियर। लेकिन हमें यहाँ पर क्या बताना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, यानी कि सबसे बड़ा बताना है, अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम, ठीक। अगर यहां देखोगे तो यहां पर तो ये बड़ा है, लेकिन ये छोटा है, ये उससे भी बड़ा है, तो ये भी गलत, ठीक। यहां पर भी इसी तरह अपोजिट होगा, फ्लोरीन सबसे बड़ा नहीं, फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, ये भी गलत है, ठीक। अब यहां पर अगर हम देखें तो फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन उससे बड़ा है, और सोडियम सबसे बड़ा है, ठीक, तो बाकी के ऑप्शंस गलत, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन विच एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सपीरियंसिंग द हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, कि उसके जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बहुत ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तो अगर आप सभी का अगर आप एटॉमिक नंबर लिखोगे तो आपको यहां से ही पता चल जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, बेरिलियम, बेरिलियम का क्या है, 1s2 2s2, यही तो होता है। बोरोन का क्या है, बोरोन का 5 होता है, 1s2 2s2 2p1, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, कार्बन है, कार्बन का 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। फिर नाइट्रोजन दे रखा है, 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। इसी तरह ऑक्सीजन का है, तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p4, ठीक। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें होगा, ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बोला गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इक्वल टू होगा, नहीं, बेरिलियम और बोरॉन बराबर होगा, ऑलमोस्ट बराबर, नहीं, ये भी गलत है। बेरिलियम का ज्यादा होगा, नहीं, ठीक, कम होगा सबसे। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर बात करो तो ऑक्सीजन का सबसे हाईएस्ट होगा, तो इन विच एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सपीरियंसिंग द हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें से कौन सबसे ज्यादा शो करेगा, ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन विल बी द राइट आंसर, डन, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है,
इन विच द साइज ऑफ आयनिक स्पीसीज इज करेक्टली गिवन इन द ऑर्डर, यानी कि इनमें से ये आयनिक स्पीसीज दे रखी है आपको कुछ, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली है, ठीक है, कौन सा करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर हमें बता रहा है, ठीक। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साइज ऑफ आयनिक स्पीसीज बताना है ना, साइज, ठीक। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ऑप्शन में Na प्लस है, ठीक, उसके बाद है मैग्नीशियम 2 प्लस, फिर है सिलिकन 4 प्लस और क्लोरीन प्लस 7, ठीक। अब देखो अगर इनको ध्यान से देखो तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, किसी में दो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, किसी में चार इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, किसी में 7 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं, यानी कि अगर इस ट्रेंड को देखोगे तो क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पर इस हिसाब से देखो जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वही हाइएस्ट होगा, ठीक है, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वही हाइएस्ट होगा, तो 1 ये वाला हाइएस्ट होगा, फिर उसके बाद उससे कम, अगर उस थोड़े से ज्यादा अगर देखोगे इसमें होंगे, फिर इसमें होंगे, फिर इसमें होंगे, यानी कि इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, ये सारे ऑप्शंस गलत होते हैं, डन, तो नोट डाउन कर लो, ये हमारा सही सीक्वेंस होगा आयनिक साइजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। 62 नंबर का क्वेश्चन, 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, हर स्टेटमेंट देखो चार ऑप्शन है, चार स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज 4, सीरियसली नहीं, फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3 होता है, क्या होता है, ग्रुप नंबर 3 होता है, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड वन कह रहा है फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ ns एंड np इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये सही कह रहा है, लेकिन अभी हम इसे होल्ड करते हैं, नीचे के और दो क्वेश्चंस हैं जो स्टेटमेंट है उन्हें देखते हैं। फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ns प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये भी गलत है, और नन ऑफ द दीज गलत, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि जब हम p ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए देखते हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर, तो वो क्या होता है, ns और np इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्लस उसमें 10 ऐड कर देते हैं, तो हमें ग्रुप नंबर पता चल जाता है, ठीक है, समझ में आया यहां तक का। चलो जैसे कि अगर हम लोग बात करें कार्बन की, ठीक है, कार्बन 6 होता है, 1s2 2s2 2p2, है ना। अब देखो ns और np के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, ठीक, अब इसमें 10 ऐड कर दो, कितना हो गया, 14, यानी कि ये 14 ग्रुप का है, ये कौन से ग्रुप का है, 14, तो आपके सामने प्रूफ भी आ गया सेकेंड ऑप्शन का, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लो, ये समझ में आ जाएगा जिससे हम ग्रुप नंबर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ग्रुप नंबर होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 63 क्वेश्चन नंबर, 63 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट रेडली विद NaOH, यानी कि NaOH के साथ इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो बहुत तेजी से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, कौन सा ऑक्साइड है जिसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो बहुत मतलब तेजी से बहुत ही रेडली NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, क्या है, बेस है, बेस है, तो इसके साथ कोई एसिड होना चाहिए, यानी कि इसके साथ कोई ऐसा ऑक्साइड होना चाहिए जो एसिडिक इन नेचर हो, है ना, एसिडिक इन नेचर हो, तो अब आप देखो यहां पर ये मेटल ऑक्साइड है, यानी कि सोडियम का है ऑक्साइड, सोडियम इज मेटल, तो मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक, तो ये गलत हो गया। इसी तरह कैल्शियम भी मेटालिक ऑक्साइड हो जाएगा, ये भी बेसिक हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक। अब अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसा है, ये एसिडिक होगा, लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन देखें तो इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन होगा, जो जितना एसिडिक होगा वो उतनी तेजी से NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां पर मोर एसिडिक कौन होगा, हु हैज मोर ऑक्सीडेशन नंबर,
मोर ऑक्सीडेशन। ठीक, तो SO2 और Cl2 O7 देखो, यहां पर अगर आप देखोगे तो X 2 माइनस 2, ये कितना आ गया प्लस का 4। ठीक, Cl2 O7 की अगर आप बात करोगे तो ये कितनी हो जाएगी, देखो यहां पर 2X प्लस 7 माइनस 2 कितना हो गया, इसे फिर से सॉल्व करो, 2X माइनस का 14, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया प्लस का 7, तो यानी कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, थर्ड ऑप्शन का। तो सबसे ज्यादा अच्छे से रिएक्ट भी करेगा बिकॉज ये मोर एसिडिक है, बिकॉज क्या है, ये मोर एसिडिक है। अच्छा, एक चीज और, अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल को देखोगे, न्यू पीरियोडिक टेबल को देखोगे, तो इस साइड आपको क्या मिलता है, नॉन मेटल्स, है ना, इस साइड नॉन मेटल्स मिलता है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा क्या होंगे, एसिडिक होंगे, कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। ठीक, अगर आप इस साइड देखोगे मेटल मिलता है ना, सोडियम लिथियम पोटेशियम ये सब मिलते हैं, तो इनके ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होंगे। मेटल के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। अच्छा, कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, लाइक एल्युमिनियम के, जिंक के, ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर, जो मोर एसिडिक होगा वो मोर ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर शो कर रहा होगा, इट मींस इसका आंसर Cl2O7 इज रेडिली रिएक्ट विद NaOH। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम लोग। ठीक है, 64 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि इनमें से चार प्रोसेस दे रखे हैं, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो एनर्जी को, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्प्शन की जरूरत पड़ रही है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर, अगर हम सल्फर की बात करें तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ठीक है, अब क्लोरीन की बात करें सेम यही हो रहा है, ऑक्सीजन में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है फिर भी उसे एक इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ रही है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और आने की जरूरत पड़ रही है, यानी कि और इलेक्ट्रॉन आएगा, रिपल्शन बढ़ रहा होगा, तो हमें यहाँ पर एनर्जी ज्यादा देने की जरूरत पड़ रही होगी इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, देखो होने को तो सही ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ देखो ओ जो है ऑलरेडी क्या है, माइनस चार्ज है। ठीक है, ओ जो है ऑलरेडी माइनस चार्ज है, और इसमें अगर देखोगे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन हो रहा होगा, और रिपल्शन की वजह से जो कमिंग इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी वजह से हमें उसको एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी, तो जिसे हम क्या कह रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्लियर हुआ ये ऑप्शन, तो ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 65 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द डिक्रीज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स विद राइज इन एटॉमिक नंबर इज ड्यू टू, इसका रीजन ये है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीज अल्कली मेटल में विद द राइज ऑफ एटॉमिक नंबर किसकी वजह से हो रहा होता है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर रीजन ये होता है, जो मेटालिक बॉन्ड हो रहा होता है वो वहां पर वीक पड़ रहा होता है। ठीक, वीक पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से ऐसा वहां पर होता है, तो ऑप्शन क्या हो गया, द वीकनिंग ऑफ मेटालिक बॉन्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन। बाकी के क्वेश्चन यहाँ पर, बाकी के ऑप्शन क्या हो गए बच्चों, गलत हो गए। डन, यहां तक का समझ में आ गया सभी को, 65 तक के क्वेश्चन क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमंग द स्टेटमेंट्स मेंशन्ड बिलो व्हिच वन इज नॉट हेल्पफुल एक्सप्लेनिंग द डायगोनल रिलेशन, ठीक है, शिप। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं इनमें से कौन सारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं चार, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डायगोनल रिलेशनशिप को समझाने में हेल्प नहीं कर रहा है। वन, पहला क्या कह रहे हैं, सिमिलरिटी इन आयनिक साइजेस। ठीक है, दूसरा कह रहा है सेम चार्ज टू साइज रेशियो। थर्ड कह रहा है कंसिस्टेंसी इन आयनाइजेशन एनर्जी। फोर्थ वन कह रहा है सिमिलरिटी इन केमिकल रिएक्शन। तो इनमें से कौन सा है जो हेल्प नहीं कर रहा है, बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या होगा 66 का। नंबर वन, फर्स्ट वाला, सिमिलैरिटी इन आयनिक साइज। ठीक है, सिमिलैरिटी इन आयनिक साइज, क्लियर है। 67 देखते हैं, बाकी के ऑप्शन गलत हो गए। 67 देखो क्या कह रहा है यहां पर,
द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम हैलाइड्स, यानी कि लिथियम के हैलाइड्स का यहाँ पर ऑर्डर दे रखा है। एक्स क्या है यहाँ पर? हेलोजन्स, ठीक है। एक्स क्या है? हेलोजन्स, जो कि क्या हो सकते हैं? क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं और आयोडीन भी हो सकते हैं, या हम फ्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन, ठीक। अब इनके हैलाइड्स है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इनके हैलाइड्स का जो रेशियो है या फिर अगर हम कह रहे हैं ऑर्डर है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा, लिथियम हैलाइड की अगर हम बात करें, लिथियम हैलाइड में लिथियम आयोडाइड का सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन के हिसाब से तो देखो ये थर्ड वन में सबसे ज्यादा, उसके बाद बीआर का होगा, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि 67 का थर्ड यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, देखो ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बुक में भी मिल जाएगा, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को बहुत डीपली आपको स्टडी करनी है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द आईयूपीएसी ऑफिशियल नेम एंड आईयूपीएसी सिंबल फॉर अनअनबायम, यानी कि यूयूबी, अनअनबायम के लिए आईयूपीएसी का ऑफिशियल नेम बताओ, इनमें से क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसके लिए नाम बताओ क्या होगा, अनअनबायम, ठीक, अनअनबायम, इसके लिए नाम बताओ क्या होगा। अन का मतलब होता है वन, फिर अन आया वन, बाई का मतलब टू, ठीक, लास्ट में एम जोड़ देते हैं, तो 112 एटॉमिक नंबर के लिए आप बताओ इसका नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम, ठीक है, कॉपरनीशियम होता है, क्या होता है, कॉपरनीशियम, ठीक है, कॉपरनीशियम, जिसका सिंबल होता है सीएन, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा बताओ जल्दी से भाई, ऑप्शन कौन सा राइट होगा यहां पर, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, है ना, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। अच्छा ये पेज नंबर 80 पर आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 80 पर आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 69 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए, 69 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कॉलम्स दे रखे हैं, 69 नंबर के क्वेश्चन में कॉलम दे रखे हैं और बोला गया है मैच द कॉलम ए, जिसमें क्या दे रखा है कॉलम ए में, नेम अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, उसके बाद कॉलम बी दे रखा है, कॉलम बी में उसके ऑफिशियल नेम दे रखे हैं, ठीक। तो आपको सही जो मैच है वो करना है। तो फर्स्ट के लिए देखो अननिल ट्राइम, अननिल ट्राइम का मतलब होता है वन, ठीक है, और निल का मतलब जीरो, ट्राई का मतलब थ्री, तो 103, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, अननिल ट्राइम का मतलब 103, ठीक, अननिल क्वांडियम का मतलब 104, क्वाड का मतलब क्या होता है 4, ठीक है। फिफ्थ की अगर हम बात करें, यहां पर थर्ड की बात करें तो अननिल पेंटियम, तो यानी कि अननिल पेंटियम, इसी तरह फोर्थ की बात करो अननिल हेक्सियम, तो अननिल हेक्स यानी कि 6, ठीक है। ये आपके एटॉमिक नंबर है और ये इनके नाम है, अब बताना है इनका नाम क्या होगा इन चार में से, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, पहले का अननिल ट्राइम का क्या होगा, अननिल ट्राइम का होगा लॉरेंसियम, क्या होगा, लॉरेंसियम। अच्छा ये भी सेम पेज नंबर 80 पर आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 80 एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का अननिल ट्राइम का क्या हो गया यहां पर बच्चों, लॉरेंसियम। सेकेंड का क्या होगा, अननिल क्वांडियम का रदरफोर्डियम, अननिल पेंटियम का होगा डबनियम, और अननिल हेक्सियम का होगा सीबोर्गियम, क्या होगा, सीबोर्गियम, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन देखो, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी इन दोनों में है, यानी कि ये और ये कट गए, ठीक। सेकेंड का ए, सेकेंड का ए दोनों में है। थर्ड का देखो यहाँ पर डी, थर्ड का डी किसमें है, इसमें है, यानी कि थर्ड वन इज राइट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, समझ में आ गया सभी को, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, 70 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए भाई, यहां तक की चीजें क्लियर हो रही है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन टिक कर लो,
ठीक है, और इनके एटॉमिक नंबर्स भी लिख लो यहाँ पर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बेसिक सा है, 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम इज, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 19, ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए बताओ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p कितना हो जाएगा, काउंट करो, 6 4 10 तो 12 और 3p6 12 6 18 और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक 4s1 है ना, ये आ गया। तो अगर आप इसे देखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये कितना हो गया 6 4 10 और 8 18 19, ठीक है 19 हो गया। अब इनमें से देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाला देखो सेम जा रहा है, लेकिन यहाँ 3p5 हो गया है तो गलत हो जाएगा, आप बहुत सारे बच्चे इसको मार्क कर देंगे 3p5 को देखकर, ठीक है, मतलब 3p5 को नहीं देखेंगे और 4s2 को नहीं, तो उनको सेम जैसा लगेगा, तो ऐसा नहीं करना है, हमें हर ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से केयरफुल होकर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3p6 और 4s1 होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है ऑर्गन 4s1, तो ऑर्गन का तो देखो 18 होता है, तो 18 ये बना रहा है, यानी कि ये हो गया ऑर्गन 18 और बचा हुआ 4s1, ठीक, तो ये हमारा पोटेशियम का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। क्लियर यहाँ तक की चीजें सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो 71 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर बोल रहा है विच सीरीज इज ऑल्सो नोन एज एक्टिनॉइड सीरीज, कौन सी सीरीज को एक्टिनॉइड सीरीज बोला जाता है, बताओ भाई कौन सी सीरीज को एक्टिनॉइड सीरीज बोला जाता है, जल्दी जल्दी, 5F इनर ट्रांजिशन सीरीज को, है ना, 5F इनर ट्रांजिशन सीरीज को क्या बोला जाता है, एक्टिनॉइड सीरीज, क्या बोला जाता है, एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72 नंबर का क्वेश्चन, द अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिलोंग टू विच ब्लॉक, यानी कि पहला जो आप देखोगे एस ब्लॉक होता है उसमें, यहां पर अगर आप देखोगे ये एस ब्लॉक होता है, यहां पर अल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक, अल्कली मेटल्स, यहां पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, ये इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, ये पूरा इसके बारे में बात कर रहा है, जिसमें अगर यहाँ देखोगे तो आप क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांशियम, सीजियम, ये सब होता है। इधर वाले में क्या होता है, यहाँ पर सेकंड वाले में बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, ठीक, ये होता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, तो ये एस ब्लॉक में ही तो आ रहे होते हैं, एस ब्लॉक में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैलकली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, तो यहाँ पर एस ब्लॉक विल बी द राइट आंसर, बाकी के ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है, डन यहां तक की चीजें। नेक्स्ट 73 नंबर के क्वेश्चन पर चला जाए, चलो 73 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फटाफट देखते हैं इसे भी, मैच एलिमेंट्स विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यहां पर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं लिस्ट नंबर 1 में, लिस्ट नंबर 2 में उनके कॉन्फ़िगरेशंस ये दे रखे हैं, तो सबसे पहले लिथियम का क्या होता है बताओ भाई जल्दी जल्दी, लिथियम का क्या होता है, 1s2 और 2s1, 1s2 को हम हीलियम लिख सकते हैं, ठीक, और 2s1 ऐसे हो गया, तो यहां पर देखो फर्स्ट का सी हो गया, फर्स्ट का सी किसमें किसमें है देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, फर्स्ट और थर्ड बचा। सेकंड देखो सोडियम की बात हो रही है, सोडियम का क्या होता है 11, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर आप सोडियम का देखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, तो यहाँ पर आ रहा है सेकंड का ए, सेकंड का ए देखो इन दोनों में, अगर आप देखोगे फर्स्ट में सेकंड का ए इसमें आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए इसको भी मिला लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, रुबीडियम का अगर आप देखोगे, रुबीडियम का देखो तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रुबीडियम का क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा, ठीक, फ्रेंशियम का बी हो जाएगा, तो यहां पर फर्स्ट का सी हो गया, ठीक है, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, सेकंड का यहां पर ए किस में आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड में ये,
ठीक, और थर्ड का हो जाएगा डी और फोर्थ का बी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, थर्ड यहाँ पर राइट कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा होगा। क्लियर, यहां तक की चीजें सभी को क्लियर हो रही हैं? क्लियर है यहां तक की चीजें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्लियर है? चलो 74 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एस ब्लॉक एलिमेंट कलेक्टिवली आर नोन एज। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को क्या बोला जाता है कलेक्टिवली? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, या फिर रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट्स, या फिर कैल्कोजेंस, क्या बोला जाता है बताओ फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? इसे तो डी ब्लॉक के जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल, ठीक। ट्रांस यूरेनियम क्या होते हैं, वो जो आप देखोगे एक्टिनाइड लैंथेनाइड्स जो होते हैं ना, उनमें यूरेनियम के बाद के जो होते हैं एलिमेंट्स वो ट्रांस यूरेनियम होते हैं, ठीक। रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोला जाता है एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, ठीक, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, ठीक है। क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया यहां तक का? तो ऑप्शन थर्ड यहां पर राइट होगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच द कॉलम, कॉलम यहां पर दे रखे हैं 1 और 2। कॉलम 1 में ग्रुप नंबर दे रखे हैं और कॉलम 2 में उनके नाम दे रखे हैं। देखो ग्रुप 1 को क्या बोला जाता है? अल्कली मेटल्स, ठीक है। ग्रुप 1 को अभी बताया था क्या बोला जाता है? अल्कली मेटल्स, जो कि एस ब्लॉक के होते हैं, ठीक। ग्रुप 2 को क्या बोला जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 17 को बोला जाता है हैलोजन्स, यानी कि जहां पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। ग्रुप 16 को क्या बोला जाता है? कैल्कोजन, यानी कि ऑक्सीजन फैमिली जो होती है, ठीक, उससे टीपो, ठीक, ऑक्सीजन फैमिली। तो यहां पर क्या हो गया, अगर आप देखोगे फर्स्ट का बी तो इन दोनों में है, ठीक, बाकी के ये दोनों कट हो गए, ठीक है, ये दोनों कट। सेकेंड का डी इसमें है, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। आपको मैच करना है, आगे भी देख लो, थर्ड का ए इसमें आ रहा है, फोर्थ का सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। डन, यहां तक की चीजें समझ में आ रही है सभी को? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। 76 देखो क्या कह रहा है। विच स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट नोबल गैसेस। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं ए बी सी, और उसमें बोला गया है कि कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो नोबल गैसेस के लिए ट्रू हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो नोबल गैसेस कहाँ होती हैं? ग्रुप 18, जिसे हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, है ना, जीरो ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक, ये सब हो गए। अच्छा अब अगर हम बात करें ए वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है? कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, तो ये राइट है, ठीक। सेकंड बोल रहा है डिफिकल्ट टू ऑल्टर द अरेंजमेंट, बिल्कुल सही है, इनके अरेंजमेंट को ऑल्टर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इनका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। जब पेट भरा होता है तो क्या होता है? शांत रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है, इनके अरेंजमेंट को जो भी ऑल्टर करना है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड क्या कह रहा है? एग्जिबिट वेरी हाई केमिकल रिएक्टिविटी, बिल्कुल नहीं, ये स्टेबल होते हैं ना, जब ये स्टेबल है, इनके ऑक्टेट फुल है, यानी कि इनका पेट भरा है, तो ये चलने फिरने में क्या करते हैं, इनको इनकी केमिकल रिएक्टिविटी लो होती है, ठीक है। इनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है? लो होती है। क्लियर, समझ में आया? तो ये गलत हो गया, ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। तो ए एंड बी देखो कहां पर है, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, सभी ने फोर्थ ऑप्शन लगाया है ना। चलो नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 77, ठीक है। 77 देखो क्या कह रहा है, 77 कह रहा है द ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17
ठीक है, ग्रुप 16 और 17 एलिमेंट्स हैव, यानी कि ये कैल्कोजन्स हैं और ये हैलोजन्स हैं, इनके बारे में कुछ चीजें दे रखी हैं और बोला गया है क्या ये सही होंगी। चलो बताओ, सबसे पहले हाईली निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती हैं। ग्रुप 16 और ग्रुप 17 हैज वेरी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इनकी जो गेन एंथैल्पी होती है वो हाईली निगेटिव होती है। क्या होती है? निगेटिव, हाईली निगेटिव, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अच्छा, आपकी ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर राइट से लेफ्ट, ये राइट है ना आपका, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो इधर आया ना, ठीक, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये राइट है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यहां पर क्या हो रहा है आपका, बताओ फटाफट। यहाँ पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बोल रहा है, तो ये तो राइट है ना और ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है ना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, यहाँ पर उल्टा बोला है, राइट टू लेफ्ट बोला है, यानी कि ये बोला जा रहा है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इस तरफ से ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन मेटल्स यहाँ पर ज्यादा होते हैं ना, ठीक, यहाँ पर मेटल है तो ये लेफ्ट है, लेफ्ट में मेटल है और राइट में क्या है, नॉन मेटल है, तो कह रहा है राइट टू लेफ्ट क्या बन रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर राइट टू लेफ्ट, यानी कि ये इधर से कह रहा है, लेकिन अगर हम इधर से देखेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बन रहा है ना कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये गलत हो गया, फर्स्ट वाला हमारा आंसर सही होगा, ठीक है, तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर फॉर 77 क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। और लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस द पीरियड, तो यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है, क्या कर रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 77 का 1 इज राइट, ठीक है, 78 जो क्वेश्चन है वो एसर्शन रीजन का है। Assertion इसमें क्या बोल रहा है, देखो, noble gases have large positive electron gain enthalpies, ठीक है, इसका reason बोला गया है, the electron has to enter the previous lower principle quantum level leading to a very unstable electronic configuration, तो reason यहाँ पर गलत होता है, ठीक है, reason यहाँ पर गलत हो जाएगा, और जो हमारा अगर हम assertion की बात करें वो right है। देखो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 80 में आपको मिल जाएगा, लाइन टू लाइन डिटो, ठीक है, पूरी लाइन आपको मिल जाएगी लिखी हुई, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीवियस लोअर की जगह हायर, ठीक है, हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो सही है लेकिन ये फॉल्स है, दिस इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, डन। तो यहां पर ए इज ट्रू बटा आर इज फॉल्स, ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए, डन, पेज नंबर 80 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 79 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ए स्टेटमेंट कह रहा है ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव वेरी हाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, सही बोल रहा है। अब बी कह रहा है ग्रुप 7 एलिमेंट्स कैन अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, नहीं, बाय एडिंग अप अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इन्हें मिल जाता है, जैसे कि अगर हम क्लोरीन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इन्हें मिल जाएगा, ग्रुप 17 में क्लोरीन आता है ना, या फ्लोरीन की बात कर लो, ग्रुप 17 में जितने भी हैलोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इन्हें मिल जाता है तो ये एक नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, स्टेबल नोबल कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर तो लूजिंग बोल रहा है, तो लूजिंग इज गलत, ठीक है, ये लूजिंग गलत हो जाएगा, तो ए हमारा राइट आंसर होगा, बी यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो 79 का ए विल बी द राइट, ठीक है, बी गलत हो जाएगा, ठीक, 79 का समझ में आ गया, यहां तक की चीजें क्लियर है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 80 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 80 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी, यानी कि उस प्रोसेस का नाम बताओ जिसमें एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कब करते हैं बताओ,
अच्छा यहाँ बोल रहे हैं द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी, मतलब कैसा हो सकता है अगर हम किसी एटम में, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम, किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर वो जो प्रोसेस है वो किस टाइप का हो सकता है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक या फिर कांड से, या फिर कह रहा है दोनों टाइप का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है, एनसीईआरटी में है जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बताया गया है ना, जो हेडिंग है उसमें जस्ट दो तीन लाइन के बाद ही आपको आंसर मिल जाएगा एज इट इज, ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि हम किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे होते हैं तो एलिमेंट पर डिपेंड करता है कि प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक होगा। ठीक, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा एंडोथर्मिक होगा या हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, बोथ, क्या कहेंगे, बोथ वन एंड टू, एक्सोथर्मिक भी और एंडोथर्मिक भी। ठीक है, तो ऑप्शन फोर राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 81 क्या कह रहा है, 81 नंबर का क्वेश्चन, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम विल बी लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग, बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये लाइन आपको पेज नंबर 89 पर मिल जाएगी जहां पर स्क्रीनिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, पेज नंबर 89 में। अब पेज नंबर एनसीईआरटी के क्यों लिखवा रहे, इससे आपको पता चले कि एनसीईआरटी की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत डीपली पढ़नी है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेज नंबर 89 में आप देखोगे डिट्टो ऐसी ही आपके पास ऐसे ही डेफिनेशन होगी जिसमें स्क्रीनिंग विल बी द राइट आंसर, यानी कि स्क्रीनिंग की डेफिनेशन है ये। क्लियर है, यहां तक की चीजें क्लियर, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी स्क्रीनिंग, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। ठीक है, चलो 82 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 82 नंबर का क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट नोबल गैसेस, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो नोबल गैसेस के लिए ट्रू है। देखो सबसे पहले द एटॉमिक रेडियाई वैल्यूज आर वेरी लार्ज, ठीक है, दे आर डायटॉमिक नहीं, रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस शुड बी कंपेयर्ड विद वैन डर वाल्स रेडियाई नॉट विद कोवेलेंट रेडियाई। आप देखो कि जितनी भी नोबल गैसेज होती हैं उनकी रेडियाई जो होती है उसको कैसे मेजर किया जाता है, बाय वैन डर वाल्स रेडियाई। ठीक है, वैन डर वाल्स रेडियाइज के अकॉर्डिंग उन्हें मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, ए सही है, बी गलत है, तो ए एंड सी यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया यहां तक की चीजें। ठीक है, तो 82 का कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, जो अगर हम बात करें इनको वैन डर वाल्स से क्यों कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज होती हैं रेडियाई की, क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई की वैल्यूज बहुत लार्ज होती है। ठीक है, इसीलिए। चलो नेक्स्ट 83 क्या कह रहा है यहां पर देखो, 83 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस इन आयनिक स्ट्रेंथ, यानी कि इनमें से कौन सी वैल्यू है जिसको हम मेजर करते हैं किसी डिस्टेंस के, कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस को इन आयनिक स्ट्रेंथ में, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, आयनिक रेडियाई को। ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ को आयनिक रेडियाई। ठीक है, क्लियर, 82 का सेकेंड, 83 का सॉरी सेकेंड। ठीक है, 83 का सेकेंड। नेक्स्ट 84 क्या कह रहा है, अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, यानी कि आपको बताना है कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो होती है या टेंडेंसी होती है किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो वो उसे क्या कह सकते हैं हम लोग, क्या कहेंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एक तरह से आप ये कह सकते हो, तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
टू यहाँ पर राइट हो जाएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी की ही डेफिनेशन है, अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, डन, यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई सभी को। चलो नेक्स्ट 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो 85 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन डिपिक्टेड फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एन इलेक्ट्रॉन फॉर एन एलिमेंट एक्स। कोई एलिमेंट दे रखा है, उसकी पहली और दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है। ठीक है, तो मान लो ये कोई एटम है, इससे हमने पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, तो एक्स प्लस बन गया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाला। अब इसकी सेकंड आयनाइजेशन अगर हम देखेंगे एंथैल्पी, तो यानी कि इस वाले पार्ट से ही तो निकालोगे ना इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगी, तो यहाँ टू प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने निकालने हैं आपने, एक टू प्लस हो गया, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑलरेडी कैटायन था, इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, तो यहाँ पर इस तरह का बन गया। अब ये फॉर्मेट कहाँ पर बन रहा है आप देखो, सबसे पहले तो एक्स वाले को ढूंढो जहां पर कोई भी कैटायन नहीं है, ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में ही आप देख सकते हो ये दो हैं, ठीक, बाकी के दोनों गलत हो गए। एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, इसके तो दोनों ही सही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे टू प्लस है, यहाँ पर तो एक प्लस से ही निकालना है ना हमें, तो यहाँ पर थर्ड विल बी द राइट आंसर, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है और ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे फटाफट। अब हम बात करते हैं 86 की, ठीक है, 86 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है 86 नंबर का क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी से ही है, ठीक, अप्रोक्सीमेटली सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के कंसेप्ट से ही हैं, ठीक है। देखो ये कह रहा है हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द एटम व्हेन दे आर बाउंड टुगेदर बाय अ सिंगल बॉन्ड इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में अगर हम एटम के बारे में बात करें तो उसे क्या कहा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस, तो यहां पर आंसर बहुत ईजी था, कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। देन 86 का थर्ड, 87 आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर आपका 3.4 है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 3.4 है, ठीक है, यहां लिख देते हैं 3.4, ठीक। अब देखो क्या कह रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है आपको। सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से ले रखे हैं, सबसे पहले आप देखोगे सोडियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, और कौन है, और अगर आप देखोगे फॉस्फोरस है और सिलिकन है, ठीक, ये है आपके एलिमेंट्स, पांच एलिमेंट्स दे रखे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और फॉस्फोरस और सिलिकन। बताओ फटाफट क्या होगा, जल्दी से बताओ, सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होगा, अगर हम देखें सबसे ज्यादा, अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे लेफ्ट साइड में सबसे ज्यादा मेटल होते हैं, तो सोडियम की बात करो तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो सोडियम का सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा, ठीक, फिर मैग्नीशियम का होगा, ठीक, मैग्नीशियम और बेरिलियम में अच्छा एक्सेप्शन होता है, ठीक, मैग्नीशियम और बेरिलियम में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, फिर मैग्नीशियम का, उससे कम होगा सोडियम का होगा, फिर मैग्नीशियम का होगा, फिर उससे कम होगा बेरिलियम का, फिर उससे कम किसका होगा, बेरिलियम का होगा, फिर किसका होगा, सिलिकन का होगा, ठीक, फिर सिलिकन का होगा, फिर फॉस्फोरस का, ठीक, ये नहीं होगा, एक्सेप्शन वाली बात नहीं है, ये देखो ये होगा, ठीक। अगर आप देखोगे यहाँ पर, आप इधर देखोगे सबसे ज्यादा ये नॉन मेटेलिक है ना, फॉस्फोरस, ठीक, उसके बाद सिलिकन, फिर उसके बाद मेटल, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करोगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ठीक है, ये हमारा राइट सीक्वेंस होगा। तो देखो कौन सा होगा, ये तो गलत हो गया, फॉस्फोरस वाले ही सही होंगे, तो इन तीनों में देखो सिलिकन इसमें भी नहीं, ये सिलिकन नहीं है, फिर आएगा बेरिलियम, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक, 87 का थर्ड नंबर का आंसर राइट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 88,
88 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मेटल इज लिक्विड एट जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर ऐसी कौन सी मेटल्स हैं जो लिक्विड होती है? रुबीडियम, गैलियम, सीजियम, तीनों ही होती है, ठीक है, तीनों ही होती है, क्लियर। यहां पर आंसर फोर्थ हो जाएगा, ये पेज नंबर 85 पर आपको मिल जाएगा आंसर लिखा है, जहां पर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में बताया गया है वहीं पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 88 का फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट होगा, ठीक। नेक्स्ट 89 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स, यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। तो मेटलॉइड्स कौन होते हैं आपको पता है, स्टेयर्स जैसी इस टाइप की आप अपनी वो देखोगे जो आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो आप उसमें देखोगे तो एक टाइप से स्टेयर्स टाइप की एक शेप बन रहा होगा जिसमें पाया जाता है सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, कार्बन तो नॉन मेटल में आ गया, टेल्यूरियम, ठीक है, क्लोरीन नॉन मेटल में, हीलियम नोबल गैस हो जाएगी, सोडियम मेटल में, ठीक। तो ये सब तो गलत हो गए, तो बचा कौन, ए बी डी और ई, ये मेटलॉइड्स हैं। तो देखो ए बी डी ई ऑप्शन थर्ड यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 नंबर का क्वेश्चन, अब हमारे 10 क्वेश्चंस और रह गए हैं, ठीक है। 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द एलिमेंट्स जेड हैविंग 120 एटॉमिक नंबर हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, इन विच फैमिली ग्रुप वुड यू प्लेस दीज एलिमेंट्स एंड ऑल्सो गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ईच केस, यानी कि एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 120, तो अभी तक जो डिस्कवर नहीं किया गया है बोला जा रहा है, तो आप इन्हें किस ग्रुप में प्लेस करोगे और इसका कन्फिग्रेशन भी बताओ। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल है, अगर आपने सारे एग्जाम्पल लगाए होंगे तो आपको याद होगा, बताओ 3.3 एग्जाम्पल है, ठीक है, 3.3 एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये तो ग्रुप टू में होगा, ठीक है, ग्रुप टू, और इसका सिंबल हो, अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये आ जाएगा आपका 8s2, क्या आ जाएगा 8s2, ठीक है, क्लियर। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ग्रुप 18 नहीं, ग्रुप 1 भी नहीं, ग्रुप 2 है, लेकिन 8s2 होगा, तो 8s2 फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 90 का फोर्थ। चलो 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है 91 नंबर का क्वेश्चन, विच एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि डी ब्लॉक की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन डी ब्लॉक के ही कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, उन प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर 91 का, जल्दी से बताओ भाई फटाफट, ये आपके पेज नंबर 84 पर मिल जाएगा, पेज नंबर 84 पर क्या होगा 91 का आंसर, जल्दी से बताओ भाई 91 का आंसर क्या होगा, थर्ड जिंक, कैंडला और मरकरी, ठीक है, 91 का थर्ड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग होता है, D10NS2 होता है, N-1 D10NS2, ठीक। अच्छा नेक्स्ट 92 नंबर की बात करें, ठीक है, 92 क्या कह रहा है, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फाउंड टू बी इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है N-1 D 1 से 10 और NS 0 से 2, ये पढ़ रखा है आप सभी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये भी पेज नंबर 84 पर आपको मिल जाएगा, सेम डी ब्लॉक्स जहां पर बताए गए वहीं पर आपको बोल्ड लाइंस में कॉन्फ़िगरेशन दे दिया होगा, ठीक है, वहीं पर कॉन्फ़िगरेशन दिया है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत। नेक्स्ट 93 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 93 नंबर का क्वेश्चन,
विच स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट हेलोजन्स एंड कैल्कोजन्स? कौन से स्टेटमेंट हेलोजन और कैल्कोजन्स के लिए सही है, बताओ कौन से स्टेटमेंट्स? अगर हम बात करें सबसे पहले जो हेलोजन्स होते हैं और कैल्कोजेंस होते हैं, यानी कि ग्रुप 16 और 17 हैविंग हाईली निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, ये बात ट्रू है, ठीक है, क्लियर। यानी कि अब बी की बात करें तो डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, ठीक, गलत, ठीक। अब अगर हम सी की बात करें, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन इन द ग्रुप, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है अगर हम ग्रुप में नीचे की ओर जा रहे होते हैं, ठीक। तो ए और सी विल बी द राइट आंसर, ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर कौन से ट्रू है हेलोजन्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, 93 का थर्ड ए एंड सी, ठीक है, क्लियर। चल इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट 94 नंबर का क्वेश्चन देखो, 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द ग्रुप नंबर फॉर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि हम बात करें एफ ब्लॉक के लिए, तो ग्रुप नंबर अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सा ग्रुप नंबर जो होगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए होगा, 3, ठीक है, क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्लियर। आंसर यहाँ पर क्लियर हो गया है सभी को, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात हो रही है तो ग्रुप नंबर 3, ठीक। चल तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। 95 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू द फिफ्थ पीरियड एंड ग्रुप 16। अच्छा ग्रुप 16 की अगर आप बात करो तो कौन कौन है ग्रुप 16 में, कैल्कोजेंस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, और यहाँ पर क्या होता है ट्रेक उससे टीपो है ना, और यहाँ टेल्यूरियम है और पोलोनियम है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे फिफ्थ पूछा गया है, तो अगर आप फर्स्ट वाला ही ग्रुप लो, फर्स्ट ग्रुप की बात करो, सबसे पहले हेलिना की रब से फरियाद है ना, यही तो होता है, ठीक, इतना ही ले लेते हैं। चलो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, 4, 5, ठीक, तो यानी कि 5 ये होगा, तो ये 2 से 2, 3, 4, 5 टेल्यूरियम, क्या हो जाएगा टेल्यूरियम हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा, जो कि ग्रुप 16 का है टेल्यूरियम। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 52, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 52 है, ठीक, क्लियर। आप जोड़ते जाओ यहाँ पर, अगर आप 8 जोड़ोगे, इसका 8 है, 8 16, फिर यहाँ पर क्या जोड़ोगे 18, ठीक, तो इस तरह से जोड़ोगे तो यहाँ टेल्यूरियम का 52 आ जाएगा, तो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि हमने सबसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि जो पीरियड्स होते हैं उनके सबसिक्वेंट पीरियड्स क्या क्या होता है, नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 है ना, तो इस हिसाब से जोड़ते जाओगे आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिलता जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। 96 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द ब्लॉक टू विच एन एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बिलोंग करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और बोला गया है ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, बताओ किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। 96 एफ ब्लॉक से, ठीक है, एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है, क्लियर। नेक्स्ट 97 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर देन एस, यानी कि सल्फर, कौन से एलिमेंट्स हैं जिसकी सल्फर के अगर सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो अगर हम बात करें किसकी होगी, किसी की नहीं होगी, ठीक है, किसकी होगी, किसी की नहीं होगी, सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर ये राइट हो जाएगा, बाकी का गलत हो जाएगा, सबकी सेम होगी, ठीक है, सबकी सेम होगी, क्लियर। नेक्स्ट 98 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज। यहाँ पर आप देखोगे सोडियम के ही आयंस दे रखे हैं और एटम दे रखा है प्लस और ये नेगेटिव, ठीक, तो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस फॉर द जो फॉलोइंग स्पीसीज है इनके लिए, तो सबसे छोटा अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, उससे बड़ा, सबसे छोटा देखो ये हो गया एन ए प्लस, ठीक, उससे बड़ा हो जाएगा एन ए और उससे बड़ा हो जाएगा एन ए माइनस, ये कुछ सीक्वेंस बन रहा होगा, ठीक है,
तो क्या बनेगा सीक्वेंस, एन ए प्लस फिर एन ए एन ए माइनस। तो देखो ये कहाँ पर है, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कैटायन जो होता है वो जो हमारा मेन जो एटम होता है उससे कम रेडियस होती है उसकी, ठीक है, और जो एनायन होता है उसकी उससे ज्यादा होती है। ठीक, जो हमारा बेसिक एलिमेंट होता है, बेसिक एटम होता है अगर हम बात करें। ठीक, क्लियर है, तो यहाँ पर ऑप्शन वन विल बी द राइट। 99 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैव रेडियस ग्रेटर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा यहाँ पर जो रेडियस है किसकी होगी, फ्लोरीन से ज्यादा सभी की होगी, ठीक है, सभी की होगी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। 99, 100 लास्ट क्वेश्चन है हमारी सीरीज का, टेस्ट नंबर 2 की सीरीज का। यहाँ पर बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनायंस, सबसे ज्यादा टेंडेंसी जो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की होती है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये आप देखोगे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, क्लियर। 100 तक के आंसर सभी को समझ में आ गए हैं, इनकी हाईली इलेक्ट्रो क्या होती है, निगेटिव टेंडेंसी होती है। तो ये कैसे है, देखो ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेट जो है इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी होगी एनायन बनाने की। अच्छा इनकी बात करो, ये तो सारे क्या है कैटायन बनाएंगे, ठीक है, क्या बना रहे होंगे कैटायन, क्योंकि मेटल है। डन, समझ में आ गया यहाँ तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का पेपर डिस्कशन फिनिश होता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट पेपर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है खुद को, एनसीईआरटी को बहुत डीपली स्टडी करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के किसी भी लाइन से आ सकता है, ठीक है, तो कोई भी पैराग्राफ कोई भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है, क्लियर है। चलो तो इसी के साथ हम अपने आज का सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप सभी नेक्स्ट पेपर के लिए और बढ़िया मेहनत करो, ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।